नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जी बिजनेस डिजिटल की खास पेशकश बुलंदियों का बजट में। आज बात करेंगे कैपिटल मार्केट की, खासकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की। हमारे साथ बातचीत के लिए दो विशेष मेहमान अजीत गोस्वामी और पंकज मठपाल जी हैं। दोनों को इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, बात शुरू करते हैं शेयर बाजार से। अजीत सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी 3.0 का ये जो पहला बजट आने वाला है, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन हमने देखा कि मार्केट ने बहुत तेज गोता लगाया, उसके बाद अचानक मार्केट ने रिकवर भी किया और एक नए रिकॉर्ड रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो ये जो तेजी है, ये किस तरह की तेजी है और इस तरह की जो चर्चाएं हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, एक करेक्शन भी अवेटेड है, क्या आप मानते हैं कि ये जो अटकलें हैं ये वास्तव में हैं और ये मार्केट किस दिशा में आगे आप देख रहे हैं इसको? आशुतोष जी, सबसे पहले आपका और अभी मीडिया का धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये वॉलेटिलिटी अचानक आई क्यों। तो देखिए, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने देखा जो एग्जिट पोल थे वो भी ये भी सब बता रहे थे कि हिस्टोरिक टर्म होगा पीएम मोदी सर का। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा हाई था, ठीक है, लेकिन अचानक जब रिजल्ट्स आए तो वो आशा के थोड़े विपरीत आए, तो थोड़ा मार्केट ने निराशा महसूस की, मायूसी लग रही थी मार्केट के अंदर। सर, ये जो ओवर वैल्यूड की बात हो रही है, तो क्या आप लग रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड, ओवर हीट हो रहा है, ऐसे जो बातें चल रही है सही है, और क्या करेक्शन अवेटेड है, करेक्शन दिखाई देगा एक मार्केट में? देखिए, ये तो हर फेज पे मार्केट ऐसा लगता है कि जो भी नया बेंचमार्क रिकॉर्ड बनाता है जब भी मार्केट, तो हमें लगता है कि अरे ये बेंचमार्क में ओवर हीटेड हो गया या ओवर वैल्यूड हो गया, लेकिन फिर वो बेंचमार्क टूट जाता है थोड़े दिनों के बाद और थोड़े दिन तक साइडवेज मार्केट मूवमेंट करता है। तो देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है ये कितना ओवर हीटेड है। यस, कुछ पॉकेट्स और कुछ स्टॉक्स आप स्पेसिफिक अगर हम अप्रोच लगाएंगे तो वो हमें थोड़ा सा महंगे लगते हैं। पंकज सर, यस, सबसे बड़ी बात, हम आप चूंकि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को इतनी बारीकी से आप नजर रखते हैं, उस पर आपका मतलब एक चीज मुझे बहुत क्लियर ये समझना है कि बाजार चाहे गिरे, चाहे रिकॉर्ड बनाए, चाहे मुनाफा वसूली हो, चाहे कुछ भी हो, एक म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत है, ये किस तरह का कॉन्फिडेंस है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, खासकर हम रिटेल निवेशकों की बात करें, पिछले दो महीने से लगातार 20,000 करोड़ से ज्यादा का SIP इनफ्लो बना हुआ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार इनफ्लो बना हुआ है, तो आप इसे कैसे देखते हैं, ये किस तरह की मेच्योरिटी है रिटेल निवेशकों को लेकर और इसका आगे का सेंटिमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है? आशुतोष जी नमस्कार। देखिए, जो भरोसा है निवेशकों का उसकी कुछ वजह है। म्यूचुअल फंड एक कैपिटल मार्केट में, स्पेशली अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, उसमें पार्टिसिपेट करने का बेहतरीन तरीका है। अभी अजीत जी ने बड़ा विस्तार से समझाया किस तरह से इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह की वैल्यूएशंस हम देख रहे हैं या क्या उम्मीदें हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन क्या होता है, किसी भी वक्त पर हम जानते हैं कि चाहे सेक्टर्स की बात करें, हम मार्केट कैप्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि यदि हम सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर के सारे स्टॉक्स एक जैसा परफॉर्म कर रहे होंगे। पंकज सर, इसमें एक चीज जो हम पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से देख रहे हैं कि रेगुलेटर भी हमारा काफी एक्शन में है और काफी इन्वेस्टर्स के जो हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी पहल कर रहा है। अब ये चूंकि इंडस्ट्री 50,00,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है एवीएम का, अब ये बड़ी इंडस्ट्री है इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है रेगुलेटर्स का और ये जो बार बार बात हो रही है कि जो गाय बजाय थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं कभी किसी फंड हाउसेस के, कभी किसी एमसी से, तो आप ये कह रहे हैं जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये आप कितना वाजिब मानते हैं और क्या इसको और तेज करने की जरूरत है या कुछ ऐसा है कि देखिए हम तो ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन करे, क्योंकि रेगुलेशन तो है ही है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता, तो इंडस्ट्री की तरफ से भी इसमें कुछ ऐसे बेटरमेंट की गुंजाइश है जिससे कि इन्वेस्टर्स जो पूरा भरोसा लगातार बनाए हुए पिछले हम 24-25 महीनों का यदि रिकॉर्ड देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो सेंटिमेंट थोड़ा सा हिलता है। आप क्या मानते हैं कि यह अप्रोच रेगुलेटर का भी सही है और इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए सेबी हमेशा इन्वेस्टर्स के हितों में काम करती है, उनके फायदे की बात सोचती है, और ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है यदि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ पर कई बार कई नए रूल्स लाए गए हैं और शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये शायद थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, चाहे ट्रांजेक्शन को लेकर हो या फिर
केवाईसी को लेकर दुनिया में बदलाव हुआ जिससे भी निवेशकों को दिक्कत आई, लेकिन सच पूछिए तो ये सब इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए, और कभी भी जब चेंजेस होते हैं तो उस वक्त पर थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। अजी सर, एक बजट आने वाला है और जैसे कि बार बार हर साल हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट के लिए कुछ टैक्स रेट और टैक्सेशन को लेकर कुछ रेशनलाइजेशन या रेशनलाइज हो, वित्त मंत्री की तरफ से ऐसी पहल हो, इस बार सर क्या लगता है बजट से बाजार के लिए क्या बेहतर होगा, क्या कुछ नए, जैसे कि हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, एसटीटी की बात करें, इसमें कुछ बदलाव होंगे? और दूसरा, मैं ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उन्होंने भी एक संकेत दिए कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा, तो आप अजीत सर इसको कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए आशुतोष जी, डिमांड तो ये हमेशा से रहती है ये चीजों की, जैसे आपने जो पॉइंट रेस किया वो हो, लेकिन ये फाइनल डिसीजन तो वित्त मंत्री जी का है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए ये दो चीजें हैं जो मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे कैपिटल गेन का टैक्स रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, ये अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता है इन्वेस्टर्स को। और दूसरा, एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट ला सकते हैं कि जो अलग अलग एसेट क्लास में हो, तो सबको एक पैरामीटर पे लाते हैं सकते हैं ताकि एक इन्वेस्टर के पास चॉइस एसेट क्लास की हो, बजाय टैक्स के बेनिफिट्स की वजह से वो चॉइस करे किसी इन्वेस्टमेंट को। तो सिर्फ अकेला टैक्स की वजह से इन्वेस्टमेंट चॉइस करने की बजाय अगर आप इसको व्यापक कर देंगे, ब्रॉड इसका वर्जन कर देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। पंकज जी, एक सवाल जो बार बार हम आपसे बात भी करते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अलग अलग कैटेगरी है, उसमें टैक्सेशन अलग अलग है, टैक्स रेट अलग है, क्या लगता है कि अभी भी ये जटिल है और इसको अभी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? और जब ये मोदी 3.0 के पहले बजट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये गुंजाइश है कि इस दिशा में एक पहल की जाए? देखिए, की जानी चाहिए, क्योंकि जब आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़े तो सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में पहले क्या था कि दो कैटेगरी थी, इक्विटी और नॉन इक्विटी, यानी कि डेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, फंड ऑफ फंड्स हो, वो सब नॉन इक्विटी में आ जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, तीन कैटेगरी बना दी लास्ट बजट में 2023 में। अब क्या हो गया, यदि इक्विटी एलोकेशन आपके फंड में 65% उससे अधिक है तो इक्विटी में आएगा, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो या इक्विटी फंड हो। यदि वो 35% मिनिमम हो, लेकिन 65 से कम हो, तो अलग कैटेगरी होगी जहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जहां पर आपका इक्विटी एलोकेशन 35% से कम है, नॉन इक्विटी में, यानी कि डेट ओरिएंटेड, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड्स, ये उसमें आते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जैसा सब खत्म कर दिया और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होता है। सर, एक सवाल और चलते चलते लेते हैं। अजीत सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि बजट से पहले प्री बजट टेक, आप देख रहे हैं कि हम रैली भी कर सकते हैं मार्केट में, रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो बजट से पहले और बजट के बाद, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि सरकार किस तरह चलेगी। सरकार अब फुल मेजोरिटी में है, एनडीए फुल मेजोरिटी में है, और दूसरी बात की ये माना जा रहा है कि सरकार गठबंधन जो पॉलिटिक्स है उसमें दोबारा से इंटर हो चुकी है, तो जो उसके प्रो एंड कॉन्स होते हैं वो कमोबेश रहेंगे, पूरी तरह ये खारिज भी नहीं किया जा सकता है। इसका असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी पड़ेगा और बाजार पे भी पड़ेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें एक सीधा सा, हम ये अपने इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिहाज से यदि हम सवाल करें तो बजट से पहले और बजट के बाद आप किस तरह के मौके देखते हैं, चाहे वो सेक्टर वाइज हो, चाहे यदि आप स्टॉक स्पेसिफिक बताना चाहें तो उस तरह आप ये अपने सुझाव दे सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अब गवर्नमेंट बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट लग रही है हम लोगों को, तो हमें जो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के पहले थी, जैसे इंफ्रा पे फोकस गवर्नमेंट हमेशा से रहा है, काफी गवर्नमेंट ने काम किया, रोड, रेलवे, सब पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने काफी वर्क किया, तो वो पॉलिसी कंटिन्यू रह सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि गवर्नमेंट का हाउसिंग फॉर ऑल एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो वो सेगमेंट अब यहाँ से और ग्रो हो सकता है, हमें ऐसा लगता है मोदी गवर्नमेंट आ गई है। सर, पंकज सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी सेम यही सवाल है कि अब किस तरह स्ट्रेटजी रखनी है, और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ नए सेक्टर्स तेजी दिखा सकते हैं, अभी जो पिछले दो टर्म में जो सेक्टर लगातार तेजी, खासकर हम डिफेंस और पीएसयू थीम देख रहे हैं, लगातार भाग रही है,
अब कुछ नए थीम भी जैसे कि हम एफएमसीजी को लेकर देख रहे हैं, उसमें तेजी है, बार बार रूरल की बात हो रही है कि रूरल इंफ्रा और रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा, उसकी बात हो रही है। तो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई है, तो अब ये स्ट्रेटजी किस तरह होगी और किस तरह की कैटेगरी और किस तरह के फंड्स पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए? आशुतोष जी, आप भी बात कर रहे हैं कंजम्पशन की या हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज की, अजीत जी ने भी बात की कंजम्पशन, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी, एनर्जी अपॉर्चुनिटी। तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि थीमेटिक फंड्स भी होते हैं, पहली बात तो यह है कि निवेशकों को अपने गोल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की जो कैटेगरीज होती हैं इनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन अपने पूरे पैसे का एक छोटा हिस्सा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट को समझते हैं, पर 15-20-25% हिस्सा आप रख सकते हैं थीमेटिक फंड्स के लिए। तो जैसा हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन हो, एनर्जी अपॉर्चुनिटी है, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी है, डिफेंस, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो भी अच्छी थीम है। मतलब बाजार अपनी चाल से चलता रहेगा, इन्वेस्टरों को अपने गोल स्पेसिफिक एक्शन लेने पड़ेंगे और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बजट स्पेशल बुलंदियों का बजट में आज इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस डिजिटल के साथ, फिर जुड़ेंगे किसी नए विषय पर नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।